जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व आज मुझे मिला है। आज मैंने अपने दल को शक्तिशाली करने के लिए शपथ लिया है और साथ ही मैं ये शपथ लेती हूँ कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, आज सिर्फ बराक वैली ही नहीं, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में महिलाएं अत्याचारित हो रही हैं और उन्हें हर जगह परिवार, छोटे से छोटे इकाई, परिवार से लेके राष्ट्रीय इकाई तक उन्हें जो जिल्लत का सामना करना पड़ा है, उसके अगेंस्ट में हम लोग हर समय, हर मतलब पद पर हम लोग अपना आवाज़ उठाएंगे और उस औरत के लिए या उस लड़की के लिए, ताकि किसी भी हालत में उसका मान सम्मान किसी भी हालत में विघ्नित न हो, उसे चलाने के लिए, उसके मान सम्मान को बजाय रखने के लिए हम लोग हर पद तक जाएंगे, जहाँ तक जो कुछ करना पड़े, कुछ भी आंदोलन करना पड़े, रास्ते पे उतरेंगे। और पिछले दिनों भी महिला कांग्रेस ने, कछार महिला कांग्रेस ने ये दिखाया है कि हमारा जो सबसे बड़ी बात, आज महंगाई हो चली है जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हैं महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को घर में सवेरे नमक से शुरू करके और बड़े से बड़े एक किचन का अगर सामान बोले तो सिलेंडर तक को कैसे चलाना है, कैसे उतने में गुजारा करना है, उसे महिलाओं को करना पड़ता है। तो आज इस जो चारों तरफ जो परिस्थिति आके खड़ी हो गई है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सफरर महिला है, चाहे अन्याय हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसी भी बात में हम बोले, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और उनको जैसे सहूलियत दी जा सके, इसके लिए कछार सिलचर महिला कांग्रेस कमेटी हमेशा सच्चा रहेगी।